अब देखते हैं लेट अस सी बट यू नो बिफोर आई केम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज हैविंग लंच विद माय फ्रेंड हियर एंड आई सेड टू हिम आई सेड टू हिम दैट आई बेट यू दैट द प्रेस विल नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन ऑन चाइना आई सेड मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे आगे पीछे दाएं बाएं यात्रा सचिन पायलट अशोक गहलोत सब पूछेंगे मगर मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी सच था सच था विजयलक्ष्मी, फ्रॉम इंडिया न्यूज विजय माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को ब्रदर देश देख रहा है ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है राहुल जी विजयलक्ष्मी, इधर राहुल जी हम चा, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हूँ बाबा अब 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 पूछ रहे हैं चाइना पर नहीं नहीं राहुल हम पूछ रही है नहीं नहीं मैं चाइना पर ही याद आया चाइना अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है एक इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है मुझे तो मुझे जो दिख रहा है जो चाइना का थ्रेट है और मुझे तो वो क्लियर और मैं इसको अब दो तीन सालों से कह रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार उसको इग्नोर कर रही है मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा उन्होंने उनका पूरा प्रेपरेशन चल रहा है उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रेपरेशन चल रहा है हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है मगर उनका प्रेपरेशन चल रहा है और प्रेपरेशन युद्ध का है प्रेपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है प्रेपरेशन युद्ध का है अगर कोई भी इन बातों को समझता है अगर आप उन आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें वो क्या कर रहे हैं वहां पे वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है हो क्यों रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है इवेंट बेस्ड काम करती है वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो यहां पे एक और इवेंट करो मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है वहां पे इवेंट काम नहीं करता है वहां पे शक्ति काम करती है तो मैंने तीन चार बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए जो हो रहा है उसको समझना चाहिए उनकी बयानबाजी आती रहती है मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं कहना नहीं चाहिए मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए